ऑलराइट गाइस, बेस स्मार्टफोन्स अंडर 40,000 ये एक अमीरों की कैटेगरी है और एक अमीर आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छे हैप्टिक्स, एक अच्छा प्रोसेसर कैपेबल जिसमें गेमिंग हो जाए, जिसमें बहुत अच्छा कैमरा हो, फोटोज बहुत अच्छी ले सके, नाइट फोटोग्राफी बहुत ही कमाल की हो, इसके साथ मेटल हो, ग्लास बैक हो, कर्व डिस्प्ले हो, 120 हर्ट्ज हो, सुपर एमोलेड हो, इतनी सारी चीजें एक अमीर आदमी के लिए काफी होती हैं। और हम भी पहले 30,000 तक का वीडियो बनाया करते थे, फिर मैंने सोचा कि उन लोगों का क्या जो 40,000 तक अपना बजट एक्सीड कर सकते हैं और जो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्मार्टफोन चाहते हैं जिनमें सेटिस्फेक्शन इनटू पूरा 100 मिल जाए। तो वेल, ये वीडियो आप ही के लिए है जो लोग 35,000 से लेके 40,000 के बीच में स्मार्टफोन खोज रहे हैं। और यहां पे मैंने वो सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब 5G कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके बारे में बार-बार बात करेंगे जो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेस्ट लुक, बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट कैमरा और बेस्ट 5G कनेक्टिविटी, मतलब सब कुछ एकदम बेस्ट मिल जाए, किलर बेसिकली जिसको फ्लैगशिप किलर हम बोलते हैं। तो किलर स्मार्टफोन्स का किलर लोगों के साथ एकदम कॉम्बिनेशन बनाने का ये बोझ जो है वो अपने सीने पे उठाने के लिए रेडी हूं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लेना प्रेस। तो सबसे पहला स्मार्टफोन मैंने जो प्राइस ब्रैकेट में रखा है ना, वो है OnePlus 9। अब आप ही बोलोगे वन प्लस नाइन कैसे पॉसिबल है 40,000 के नीचे? पॉसिबल है भाई, कुछ भी सोचो तो कुछ भी पॉसिबल है। अभी रिसेंटली ना 8,000 रुपीज का ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पे डायरेक्ट ऑफ चल रहा है इस पे। यहाँ पे ये फोन वैसे तो आपको 45,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, लेकिन 8,000 का ऑफ लगाने के बाद ये ऑलमोस्ट 37,000 में आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको लगाना है परचेज करते वक्त, दैट्स इट। यहाँ पे ये परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ही कमाल की लेके आता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 आपको देखने को मिलता है इसमें और ये 7,00,000 प्लस स्कोर लेके आता है। बेसिकली हीटिंग जो है ना वो आपको OnePlus 9 Pro से भी इसमें कम देखने को मिलेगी। ये होता है मैनेजमेंट का खेल। इसी के साथ इसको जो और चीज बेस्ट बनाती है ना वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन OS। इसके साथ बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है, लुक वाइज ये बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे आपको ग्लास बैक देखने को मिल रहा है, इसी के साथ बड़ा हैंडी सा डिजाइन है, हैप्टिक्स बहुत ही कमाल के हैं, स्पीकर्स बहुत ही कमाल के हैं, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, फ्लूइड एमोलेड पैनल है। तो ये सारी चीजें मिलके इस OnePlus 9 को बहुत ही कमाल का एक डिवाइस बनाती है। और चूंकि OnePlus की तरफ से आ रहा है तो ब्रांड नेम तो आपको पुछते नहीं देखने को मिल ही जाता है। और उसके साथ अच्छे कैमरास भी आपको देखने को मिल रहा है, 48+50+2 मेगापिक्सल हैसलब्लेड वाली ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन कुछ कमियां भी है इस फोन में, जैसे आपको 2 5G बैंड सिर्फ देखने को मिलेंगे, IP रेटिंग इसमें ऑफिशियली नहीं देखने को मिलती है, इसी के साथ OIS आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है, टेलीफोटो लेंस भी इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है और इसी के साथ वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं देखने को मिलती है। तो आप ये बोलो कि देखने को मिलता है क्या? पर इनको छोड़ दिया जाए ना, उसके अलावा भी जो मसाला इसमें है ना वो डेफिनेटली इसको एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बना देता है। तो आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से 31 December तक इसको 37,000 रुपीज में परचेस कर सकते हो। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का स्मार्टफोन है ना वो है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। ये सबसे बेस्ट सस्ता 5G फोन है सैमसंग की तरफ से और 2020 का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। अब आप ये बोलोगे 2021 में लॉन्च हुआ था, 2020 का बेस्ट कैसे बन गया? पहले 2020 में लॉन्च हुआ था, बाद में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और 5G कनेक्टिविटी मिला के 2021 में लॉन्च हुआ, तो 2021 का भी बेस्ट स्मार्टफोन बन गया अल्टीमेटली। तो यहां पे आपको देखने को मिलती है 6.55 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट बेस्ट डिस्प्ले है। और इसी के साथ अगर आपको बेस्ट कैमरा भी चाहिए ना, उसके लिए भी बेस्ट स्मार्टफोन है ये। इसमें आपको टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है, 3x तक ऑप्टिकल जूम आप इसमें कर सकते हो, मतलब वैसे 30x तक जा सकते हो अगर हाइब्रिड की बात करूं तो। और इसी के साथ आपको बेस्ट हैप्टिक्स देखने को मिल जाते हैं, LPDDR5, UFS 3.1 और लेटेस्ट UI, ये सब कुछ जो सैमसंग का प्रीमियम मसाला है ना सारा इसमें भरपूर देखने को मिलेगा, एकदम खचाखच भरा हुआ। और इसी के साथ जो प्राइस है 8GB 128GB के लिए वो 40,000 आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हो अगर आपको एक ब्रांड वैल्यू से प्यार है तो। उसके बाद जो तीसरे नंबर का स्मार्टफोन है वो है ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G। ये जो स्मार्टफोन है ना वो भी डेफिनेटली लुक वाइज कैमरा वाइज बहुत ही कमाल का है और ये कंपनी जो है इनोवेशन करती रहती है कैमरा के मामले में, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात है ही नहीं। और इसमें आपको बॉक्स में ही ईयरफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं, वरना भाई आजकल तो चार्जर भी मिलना मुश्किल है। जैसे आप बॉक्स खोलोगे ना 3-4 दिन तक तो दुखी खत्म नहीं होता कि कुछ भी नहीं मिला फोन के अलावा। इसमें आपको मेटल प्लस ग्लास का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, फोन में अच्छे लेवल के हैप्टिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा
कैमरा देखने को मिलता है और कैमरा में इतने सारे फीचर्स हैं, कोई 100,000 फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और उनको आप डेफिनेटली यूज करते करते आपको पता चलेगा कि इसमें कोई अंत नहीं है। मतलब सारा का सारा जो मेकअप है ना वो आपको बाय डिफॉल्ट इसमें देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। डायमेंसिटी 1200 है, 11 5G बैंड्स हैं, मतलब परफॉर्मेंस का जो डिपार्टमेंट है ना वो भी आपको टॉप नॉच देखने को मिलता है। और इसका आप टॉप एंड वेरिएंट भी लोगे ना 12GB 256GB वाला, वो भी आपको 40,000 के नीचे देखने को मिल जाएगा 39,990 रुपीस में। तो अगर आपको एक बेस लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए ना तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हो। और उसके बाद जो चौथे नंबर का स्मार्टफोन मैंने यहाँ पे रखा है वो है IQOO 7 Legend 5G। 5G बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, हर स्मार्टफोन के आगे ना 5G लगना इस वक्त की एकदम नीड है, और स्पेशली 30,000 के ऊपर चले जाए ना तो वो तो 100% बन जाती है। यहाँ पे ये जो फोन है वो गेमर्स के लिए बहुत ही कमाल की वैल्यू लेके आता है। यहाँ पे आपको ड्यूअल चिप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये हमको बहुत पहले देखने को मिला था। यहाँ पे हमको 8 सीरीज की बात करनी चाहिए लेकिन 8 सीरीज इंडिया में नहीं आने वाली है। उसके बाद 9 सीरीज भी एकदम दरवाजे पे ही खड़ी है, बट स्टिल वो फ्यूचर की बातें हैं तो हम इस वीडियो में नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही विनर बच जाता है IQOO की तरफ से और वो है 7 Legend। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसमें Snapdragon 888 प्रोसेसर, UFS 3.1, LPDDR5 बेस्ड रैम, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, कमाल के हैप्टिक, 66 वोल्ट की चार्जिंग, लिक्विड कूलिंग, ये सारा मसाला जो है ना वो गेमर्स के लिए वरदान है भाई। 6.62 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है, मतलब बेसिकली टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ आ रही है तो इतना सा समझ लो कि सब कुछ एकदम टॉप नॉच डाला गया है। और इसी के साथ आप ये बोलोगे गेमिंग स्मार्टफोन है तो कैमरा डाउनफॉल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 48-13-13 ट्रिपल रियर कैमरा है और ये OIS के साथ आपको देखने को मिलता है। और इसका जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है ना 39,900 में आपको देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हो अगर आप एक अल्टीमेट धुआंधार गेमर हो तो। और उसके बाद हम चलते हैं अपने पांचवें स्मार्टफोन की तरफ और वो है Vivo X70 Pro। रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था और ये ऑनलाइन अगर आप देखने जाओगे तो आपको 45 या 46,000 रुपीज का शो करेगा, लेकिन ना आपको ऑनलाइन ही जाना है, आपको जाना है ऑफलाइन। आपके नियर बाई कोई Vivo का ऑफलाइन मतलब एक्सक्लूसिव स्टोर होना, वहां पे आप जाके चेकआउट करो, आपको 40,000 की प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली Vivo और Oppo के स्मार्टफोन जो है ना वो ऑफलाइन के लिए बनाए जाते हैं और ऑफलाइन मार्केट वालों में ना बहुत सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जाइस कोटिंग देखने को मिलती है। बेसिकली आपको अगर एक अल्टीमेट कैमरा विनर चाहिए ना इस प्राइस रेंज में, आप इसकी तरफ डेफिनेटली देख सकते हो। आपकी स्किन टोन्स, नाइट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारी चीजें इतनी कमाल की कर देगा कि आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन भी है, रिफ्रेशिंग डिजाइन देखने को मिलता है, मेट फिनिश देखने को मिलती है जिसपे फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। इसी के साथ 50+12+12+8 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है और ये सारे फंक्शंस बहुत कमाल तरीके से हैंडल करता है। और इसमें आपको E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, अगेन 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट भी इस प्राइस रेंज में ना बिल्कुल कॉमन है। डायमेंसिटी 1200 है जो Vivo के कोलैब से बना हुआ है, जिसमें आपको जो कैमरा की ISP है वो थोड़ी सी बड़ी हुई देखने को मिलती है, नाइट फोटोग्राफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है और इसी के साथ हीटिंग मैनेजमेंट को भी थोड़ा और लेवल ऊपर लेके गए हैं ये लोग। तो डेफिनेटली आप इसको डायमेंसिटी 1200 प्लस बोल सकते हो, वन प्लस की तरह नहीं, यहाँ पे रियल लाइफ में आपको फील होगा। और इसी के साथ आपको इसमें भी बॉक्स के अंदर ही ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं। 4,450 mAh की बैटरी है और इसी के साथ 44 वोल्ट की चार्जिंग है, लेकिन आपको इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये एक थोड़ी सी कमी है, लेकिन बाकी सारी चीजें बहुत ही अल्टीमेट हैं। तो ये कुछ 5 स्मार्टफोन हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर सकते हैं। आपका कौन सा फेवरेट है नीचे लिख के बताना, बिल्कुल भी मत बोलना। बाकी मैंने अपने डीप रिसर्च से ये 5 स्मार्टफोन खोज के निकाले, आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई है। फिर भी अगर आपको लगता है ना तो नीचे लिख के बता दो और इसी के साथ वीडियो कर दो लाइक, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए